कक्षा चार की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहा हूँ और गणित के अंदर हम लीटर और मिलीलीटर पर गुणा के सवाल हल कर रहे हैं। तो आज दो सवाल हैं, इन्हें हम हल करने का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, 43 लीटर 345 को 34 से गुणा करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि दोनों इकाइयाँ अलग अलग, देखिए लीटर है ये मिलीलीटर है, तो हम सबसे पहले केवल मिलीलीटर की संख्या को ही गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 345 को 34 से गुणा, तो सबसे पहले चार से गुणा करेंगे हम पाँच को। तो चार का पड़ा कितनी बार बोलना है, पाँच बार। तो चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन बारह, चार तो सोलह, चार पंजे बीस, बीस का जीरो, असल रह गई दो। फिर चार को किससे गुणा करेंगे, चार से। तो चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन बारह, चार तो सोलह, सोलह में कितने जोड़ेंगे, सत्रह, अठारह, अठारह का आठ, हासिल रहेगी एक। फिर चार को तीन से करेंगे, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन बारह, बारह में एक हासिल जोड़ेंगे तो तेरह, ये हो गया तेरह, हासिल मिटाई और पहले अंक के नीचे गुणा का चिन्ह। अब हम गुणा करेंगे तीन से, तीन को पाँच से, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौके बारह, तीन पंजे पंद्रह, तो तीन पंजे पंद्रह, एक बच गया। फिर तीन को चार से करेंगे, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौके बारह, बारह के अंदर हमने एक जोड़ा तो बारह एक तेरह, तेरह का तीन, असल रह गया एक। फिर तीन को तीन से, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, अब नौ के अंदर एक जोड़ दिया दस। अब इस सारे मिलीलीटर की जोड़ जीरो, आठ में पाँच जोड़ना नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, एक बच गया। तीन रे चार, चार में तीन जोड़ना है पाँच छः सात, एक का एक, एक का एक, अब ग्यारह एक, ग्यारह हजार सात सौ तीस क्या बन गया, मिलीलीटर। अब आपको पता है कि एक लीटर के अंदर हजार मिलीलीटर होते हैं और मिलीलीटर को हजार, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम हजार का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो इसमें हम एक हजार का क्या लगाएंगे, भाग। तो सबसे पहले एक हजार एक सौ तिहत्तर, तो पहले तो एक बार गया एक हजार, घटाओ देखो तीन सात एक, और एक में से एक गया जीरो, ये जीरो उतार दिया। फिर एक हजार सात सौ तीस, फिर एक हजार एक बार गया जीरो तीन सात, अब ये बच गया सात सौ तीस। अब जो शेष बचा है वो तो हमारा क्या कहलाएगा, मिली, और जो भागफल के अंदर है वो कहलाएगा लीटर, क्या कहलाएगा, लीटर। अब ये मिली लीटर की गुणा कंप्लीट हो गया। अब हमें 34 को किससे गुणा करनी है, लीटर यानी 43 लीटर से गुणा करनी है। तो वही चार का पड़ा तीन बार, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन बारह, बारह का दो, असल रह गई एक। फिर चार को चार से करेंगे, चार एकम चार, चार दूनी आठ, चार तीन बारह, चार दो सोलह, सोलह में एक जोड़ा सत्रह यानी 172। फिर पहले अंक के नीचे इंटू, अब तीन से गुणा करेंगे, तीन को तीन से, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, हासिल रह गई एक, सॉरी हासिल आपकी नहीं आएगी। अब तीन को किससे गुणा करेंगे, चार से, तीन एकम तीन, तीन दूनी छः, तीन तिया नौ, तीन चौके बारह, अब इसका जोड़ किया दो। अब सात में कितना जोड़ना है आपको, नौ जोड़ना है, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह का छः, एक बच गया, एक एक दो, दो और चार पाँच छः और एक। अब देखिए यहाँ पर ये 11 लीटर है, इस 11 लीटर को हम इसमें जोड़ देंगे, तो दो और एक तीन, छः एक सात, छः का छः, एक का एक, ये हो गई आपकी गुणा, और ये क्या बना टोटल, लीटर। तो हमारा जो इसका आंसर है वो हुआ 1673 लीटर
730 मिलीलीटर और ये हमारा आंसर 1673 लीटर 730 मिलीलीटर आपका आंसर। अब इसी प्रकार से सेम टू सेम ये गुणा करनी है कि 324 लीटर को 650 मिलीलीटर से, तो सबसे पहले केवल मिलीलीटर की गुणा, तो 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 6 को 5 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 थी 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 30 का 0, असल रह गई 3, फिर 6 से गुणा करनी है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 थी 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 कम 36, 36 में कितना दौड़ना है, 3, 37, 38, 39, फिर पहले अंक के नीचे और हासिल को मिटा देंगे, फिर 8 को 0 से गुणा करेंगे 0। अब 8 का पाड़ा 5 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 40 का 0, असल रह गई 4। अब कितनी बार, 6 बार, 8 एकम 8, 8 दूनी 12, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। अब 48 में कितना जोड़ना है, 4, 49, 50, 51, 52, यहाँ हो गया 52। अब इनकी जोड़ कीजिए, 0, 0, 9 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो 9, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, और ये 5, यानी 55,900 मिलीलीटर आया। और आपको पता है कि 1000 मिलीलीटर के अंदर 1 लीटर होता है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हम इसमें 1000 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, तो सबसे पहले 5590, तो 1000 के अंदर 5000 आएगा 5 बार, 0, 9, 5, 5 में से 5 गया 0, और इस 0 को हमने फिर यहाँ नीचे उतार दिया, फिर हो गया 5900, तो 5900 में 1000 का भाग लगाए तो फिर 5 बार जाएगा, जीरो जीरो नौ, ये तो हो गया 55 लीटर, और ये हो गया 900 मिली, ये आपकी मिलीलीटर की गुणा। अब किससे गुणा करेंगे, 86 को 324 लीटर से, किससे करेंगे, 324 लीटर से, तो वही 6 का पाड़ा पहले 4 बार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल रह गई 2, फिर 6 को 2 से करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 में कितना जोड़ेंगे हम, 2, 13, 14, 14 का 4, हासिल रह गई 1, फिर 6 को 3 से करेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 1 हासिल जोड़ दी, तो 18 एक 19, यह हासिल बेटा। अब पहले अंक के नीचे इंटू, अब 8 से गुणा करनी है, 8 को 4 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 32 का 2, हासिल रह गई 3, फिर 8 को 2 से, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में कितना जोड़ना है, 3, 17, 18, 19, ये हासिल रह गया 1, फिर 8 को 3 से गुणा करनी है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 में एक जोड़ो 25, और ये जोड़ 4, 4 2 6, 9 9 18, 1 बच गया, 5 3 6, 6 2 7, और 2 का 2, 27,864। अब देखिए ये 55 लीटर यहाँ पर है, इस लीटर को हम इस लीटर में प्लस कर देंगे, 5 4 9, 6 5 11, 1 बच गया, 8 1 9, 7 का 7, 2 का 2, इसका जो आंसर आया वो है 27,919 लीटर 900 मिलीलीटर, और ये आपका आंसर। तो ये दो गुना कॉपी में उतारिए
और इन्हें समय करने का अभ्यास कीजिए। अब मैं आपको अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ। अंग्रेजी के अंदर आज हम कर रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स विथ इच एम आर, यानी ये 8 कंटेंट्स दे रखे हैं। इनमें आपको इच एम आर उचित स्थान पर भरना है, कहाँ इच जाएगा, कहाँ एम आएगा, कहाँ आर आएगा। तो एक संक्षेप मैं थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको, वैसे हम पहले इसको कर चुके हैं पूरा, कि ही जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर वर्ड हो तब हम इज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट, ही मिस वह मेल के लिए, सी वह फीमेल के लिए, इट जानवर और वस्तुओं के लिए, और सिंगुलर कोई भी एक वचन का वाक्य तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। और आई, आई के साथ में केवल एम का प्रयोग, किसका प्रयोग, एम का प्रयोग। और फिर वी, यू, दे, प्लूरल वर्ड, इसके साथ में आर का प्रयोग होता है। तो ये संक्षेप के अंदर है जो आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे पहले देखिए, आई डैश ए स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ, तो आई के साथ किसका प्रयोग, एम का। तो सेंटेंस बना आपका आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। फिर यू डैश कर रखा है लेट टुडे, तुम आज देर से हो, तो यू, अब यू कहाँ है, देखिए ये रसे प्लूरल वर्ड किसका प्रयोग होगा यहाँ पे, ए आर आर का, तो ए आर ई, यू आर लेट टुडे, तुम आज देर से हो। नेक्स्ट है राधा डैश इज माई सिस्टर, राधा डैश माई सिस्टर, राधा मेरी बहन है, तो राधा देखो एक लड़की का नाम है, अभी यानी सिंगुलर वर्ड है, और जब सिंगुलर वर्ड होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस बना राधा इज माई सिस्टर। दीज फ्लोवर, ये फूल लवली प्यारे हैं। अब दीज देखिए और फ्लावर्स दे रखा है, फ्लावर्स यानी एक से ज़्यादा, यानी बहुवचन यानी प्लूरल वर्ड है, और जब प्लूरल वर्ड हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो हमने यहाँ लिख दिया ए आर ई, दीज फ्लावर्स आर लवली, ये फूल बहुत प्यारे हैं। अनु डैश ए गुड डांसर, अब यहाँ देखिए अनु एक लड़की के बारे में बात हो रही है, यानी सिंगुलर वर्ड है, और सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का होता है। तो अनु इज ए गुड डांसर। फिर मंकीज क्लेवर एनिमल, मंकी जो होता है एक चतुर जानवर होता है। अब तो मंकी जा रहा है, देखो मंकी नहीं, मंकी मीन्स तो एक बंदर, मंकीज मीन्स सब बंदरों के बारे में, मंकीज बहुवचन है, प्लूरल वर्ड है, तो किसका प्रयोग, आर का, ए आर ई, तो मंकीज आर क्लेवर एनिमल। फिर आई योर फ्रेंड, तो आई के साथ तो बताइए आपको केवल एम का ही प्रयोग होता है, तो आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। और अंतिम है द ग्रास ग्रीन, घास हरी है, तो हरी है तो इज का प्रयोग, ग्रास इज ग्रीन। तो अभी हमने देखे 8 सेंटेंस किए, ये मैंने आपको संक्षेप में बताया कि ही सी इट सिंगुलर वर्ड के साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, वी यू दे और कोई भी बहुवचन का वाक्य हो प्लूरल वर्ड तो आर का प्रयोग। तो इनको अपने कॉपी में उतारिए और फिर इन्हें समय हल करने का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।